गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम सिविक्स का, आपका जो सोशल साइंस की बुक है उसका जो सिविक्स का पार्ट है उसका चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म निष्पेक्षता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आप क्या समझे इस वर्ड से, कि अगर हम हिंदू धर्म के हैं, ठीक है, सारे धर्मों को एक जैसा मानना, किसी भी धर्म में आप धर्म निरपेक्षता नहीं करेंगे कि आप हिंदू के धर्म को ज़्यादा मानेंगे, क्रिश्चियन में ज़्यादा फेवर करेंगे कि मुस्लिम को ज़्यादा फेवर करेंगे। कोई हमारी सरकार कोई भी धर्म को किसी धर्म से ऊपर नहीं मान सकती है। मतलब हमको कोई भी धर्म को ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा मानते और इसको कम मानते। हमको हाँ सर सब धर्म को एक समान मानना है, एक जैसा मानना है। हम किसी भी धर्म में ऊंच नीच नहीं कर सकते, इसी का मतलब होता है सेक्युलरिज्म। अगर सेक्युलरिज्म नहीं होगा, धर्म निरपेक्षता नहीं होगी, तो कोई भी किसी भी धर्म को ज़्यादा मानने लग जाएगा और अपनी वाली चलाने लग जाएगा और दूसरे धर्म को तो पूरी तरीके से बंद ही करवा देगा। तो हर धर्म को एक समान मानना ही सेक्युलरिज्म होता है। एक सारे धर्मों को एक जैसा मानना ऐसा नहीं है कि आप कोई भी धर्म को ज़्यादा माने, एक सारे धर्मों को एक जैसा मानना, एक समान मानना, उसी को हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म और क्या होता है, और डीपली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सारे धर्मों को एक जैसा मानना, किसी भी धर्म में निरपेक्षता नहीं करना। हमारी सरकार सारे धर्मों को एक समान मानती है जब भी हमारे कंट्री में सेक्युलरिज्म है। ठीक है, पढ़ते हैं अपन। कि आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशन, पर्सुएशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव करना, एक्सक्लूशन मतलब होता है एक ही धर्म को मानना और उसको दूसरे धर्म से बिल्कुल अलग कर देना। जैसे हम हिंदू धर्म के हैं तो हम मुस्लिम धर्म को ना मानना और हमको उस धर्म से बिल्कुल अलग कर देना। पर्सुएशन मतलब इस धर्म पे मारा पीटी भी होने लग जाती है ना। यू मे हैव टू रीड द ज्यूज ऑफ पर्सुकेटेड इन हिटलर जर्मनी। हिटलर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए कि जैसे जो हिटलर थे उन्होंने ज्यूज के साथ में बहुत बुरा करा था। मतलब ज्यूज के साथ में इतना बुरा करा था, बहुत धर्म निरपेक्षता करी थी और बहुत, जब सेकेंड वार हुआ था तो बहुत जहरीली गैस छोड़ी गई थी, तो जिससे क्या हो गया था, लोग मरने लगे थे और मतलब बहुत बहुत कुछ हुआ था। तो ये क्या हुआ कि जब हिटलर ने ज्यूज के साथ तो ऐसा किया ही सही, तो ज्यूज ने क्या करा कि नाउ हाउ एवर द ज्यूज स्टेट ऑफ इसराइल, उसने अपना खुद का स्टेट बनाया इसराइल। तो वहाँ पर क्या था, मुस्लिम और क्रिश्चियन की माइनॉरिटीज़ क्या थी, बहुत कम थी, तो उन पर भी वही अत्याचार करना लगा, अत्याचार करने लगा जिस तरीके से हिटलर ने जूस के साथ किया। तो जूस क्या करने लगा, जब उसने खुद का स्टेट बनाया इसराइल उसका खुद का, तो मुस्लिम और क्रिश्चियनों के साथ में भी वो यही करने लगा, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ थे। माइनॉरिटीज़ मतलब क्या थे, कम लोग थे। मेजोरिटी मतलब ज़्यादा लोग होना, ज़्यादा संख्या में होना, और माइनॉरिटीज़ मतलब अल्पसंख्यक, मतलब कम संख्या में होना। ठीक है, इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड टेम्पल। सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मतलब जो मुस्लिम्स नहीं हैं, वो मतलब टेम्पल और चर्च उनको कोई अलाउ नहीं, किसी भी मंदिर में और कुछ कुछ भी बिल्ड करना, कोई भी टेम्पल चर्च बिल्ड करके और पूजा पाठ करना उनको अलाउ नहीं है। मतलब उनको ये है कि मानो तो सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही मानो या मुस्लिम बनकर रहो, नहीं तो आपका कोई भी टेम्पल और कोई भी चर्च यहाँ पर अलाउ नहीं होगी और कोई भी वो पब्लिक प्लेस पर कोई भी प्रेयर्स नहीं कर सकते हैं। इन ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स, मेंबर ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी आइदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन कम्युनिटीज। इसका मतलब क्या होता है कि इतने सारे एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं, जो एक रिलीजन क्या होता है, दूसरे रिलीजन से डिस्क्रिमिनेट करता है, भेदभाव करता है, ठीक है, दूसरे रिलीजन दूसरी कम्युनिटीज से। दिस एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली। ये जो डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं हम, इससे बहुत इजीली हो जाता है कि वन रिलीजन, अगर कोई एक रिलीजन ऑफिशियली स्टेट ऑफ एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन, अगर स्टेट भी अदर रिलीजन को यही दर्जा देने लगी एक रिलीजन से, तो मतलब हमारे साथ में ये धर्म निरपेक्षता कितनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब जैसे हमारी सरकार अगर ऐसे करने लगे, हमारी सरकार एक रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानने लगे और दूसरी को नहीं मानने लगे, मतलब वो सोचे कि सिर्फ जो हिंदू है तो हिंदू ही सब कुछ है, मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है, या फिर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन ही सब कुछ है, मतलब ऐसे धर्म निरपेक्षता नहीं चलेगी। और अगर स्टेट भी, हमारी सरकार भी इस चीज़ को मानने लगेगी तो ये चीज़ और इजीली हो जाएगी दूसरे लोगों के लिए भी, मतलब बहुत आसान हो जाएगी। फिर तो हर इंसान ऐसे करेगा, अगर सरकार ही हमारी ऐसे करेगी तो आप खुद बताएं कि कैसे, मतलब ये कम होगा, हर इंसान अपनी अपनी वाली चलाएगा।
क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाई अदर रिलीजन. कोई भी एक रिलीजन दूसरे डोमिनेटेड मतलब दूसरे रिलीजन के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है. इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन. वॉट इज़ सेक्युलरिज्म? अभी आप मैंने आपको बताया कि एक ही धर्म को मतलब हर धर्म को समान मानना, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना, यही सेक्युलरिज्म होता है. आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, मौलिक अधिकार पढ़े जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. स्टेट पावर एज वेल अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी. टायरनी मतलब होता है अत्याचार. मतलब क्या होता है, मेजोरिटी जो होती है वो माइनॉरिटी जो कम लोग होते हैं उनके साथ में अत्याचार न करें. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लाइव देयर रिलीजन्स बिलीव एंड प्रैक्टिसेस देयर इंटरप्रिट हाउस. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से अलाउ करता है, पूरी तरीके से फ्रीडम देता है कि हम हमारे रिलीजन हमारे प्रैक्टिस को मानेंगे और हम हमारे हिसाब से हमारे फ्रीडम से जिएंगे. हमको जो मानना होगा जिस धर्म को मानना होगा हम वही करेंगे, हमको कोई रोक टोक नहीं सकता है. इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजन्स फ्रीडम फॉर ऑल. ये हर रिलीजन्स के लिए ये फ्रीडम है कि वो अपने अपने रिलीजन्स को मान सकता है. इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट. मतलब अपने पावर को, अपने स्टेट को और अपने धर्म को हमको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, मतलब बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए कि हमारा धर्म धर्म का अलग काम कर रहा है और स्टेट बिल्कुल स्टेट सरकार हमारे धर्म के बीच में कभी नहीं बोलेगी. सरकार अगर हमारे धर्म के बीच में बोलेगी इसका मतलब तो सेक्युलरिज्म है ही नहीं हमारे देश में. इसलिए हमें सरकार को और धर्म को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, यही होता है सेक्युलरिज्म. अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म तो ये उसकी डेफिनेशन है. सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट. आप उसको हिंदी में बोल सकते हैं कि सेक्युलरिज्म मतलब ये होता है कि हमें हमारे स्टेट को, हमारी सरकार को और हमारे धर्म को हमेशा अलग रखना चाहिए. Why is it important to separate religions from the state? क्यों important है कि हम हमारे religion को separate रखें state से? As discussed above, the most important aspect of secularism it's its separation of religion from state power. बहुत important है ये secularism में कि हम हमारे religion को और power को बिल्कुल अलग रखें, बिल्कुल separate रखें. This is important for a country. ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है. टू फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिकली मतलब लोकतंत्र के लिए. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन्स ग्रुपिंग लिविंग इन देम. आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में पूरी दुनिया में एक से ज़्यादा रिलीजन्स हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं जो अपने अपने धर्मों को मानते हैं. विद इन दिस रिलीजन्स ग्रुप्स देयर वर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ मेजोरिटी. इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जो एक मेजोरिटी के ज़्यादा लोग मिल जाते हैं तो वो माइनॉरिटीज़ वाले पे क्या करते हैं, अत्याचार करने लग जाते हैं. इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजन्स ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर. इसीलिए तो बोल रहे हैं कि धर्म को और स्टेट को अलग रखा जाए. इससे क्या होगा कि कोई भी अगर धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसमें हमारी सरकार बिल्कुल बोलेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, राइट टू इक्वालिटी का प्रोटेक्शन है, मतलब फंडामेंटल राइट है कि हमारे पास अधिकार है कि हमको कोई बिना वजह मार नहीं सकता है, हमको कोई बिना वजह किसी चीज़ के लिए समानताओं के लिए रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम सब समान हैं. कोई भी मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो हमारे लिए सब समान है. मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाले के पास में दोनों के पास ये अधिकार है कि दोनों के पास ये समानता है कि जो उनको करना होगा, जो उनकी फ्रीडम होगी, जो उनका धर्म होगा वो उन्हीं को मानेंगे, ठीक है ना. तो उसमें कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है. इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजन्स ग्रुप हैज़ टू स्टेट पावर. अगर जो मेजोरिटी रिलीजन्स है अगर ये स्टेट पावर से मिल जाए, जैसे आप मानिए एग्जांपल में कि 88% मेजोरिटी है हिंदू की और उसके बाद में क्या बची अपने पास में, 12% बची मुस्लिम की. तो मेजोरिटी पावर अगर हम हिंदू धर्म हमारी सरकार से भी मिल जाएंगे और हमारी सरकार भी ऐसा हमारे साथ मिलके करने लगेगी तो जो माइनॉरिटीज है वो तो पूरी तरीके से किसी दिन ख़त्म हो जाएगी, उनके साथ तो भेदभाव हो जाएगा, ठीक है ना. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. इसीलिए बोलते हैं कि स्टेट पावर को कभी भी धर्म के बीच में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन. टायरनी मतलब अत्याचार. अगर इस तरीके से अत्याचार करेगी मेजोरिटी के साथ मिलकर भेदभाव करेंगे तो एट दैट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजन माइनॉरिटीज़. तो एक दिन सारी माइनॉरिटीज़ मर जाएंगी, उनका किल हो जाएगा, ठीक है. एक टाइम मतलब इस तरीके से आएगा कि जो माइनॉरिटीज़ है वो हम पूरी तरीके से ख़त्म ही कर देंगे. तो ये हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को भी मारें या किसी को भी किसी के धर्म के बारे में कुछ भी बोलें. दिस मेजोरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स
एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इज वायलेशन ऑफ द राइट्स एंड दैट डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन्स। हर हर धर्म को अपनी अपनी फ्रीडम है, हर रिलीजन को फ्रीडम है अपने डेमोक्रेटिक लोकतंत्र के अंदर कि वो अपने हिसाब से जो भी सिटीजन है वो अपना धर्म मान सकता है। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental right that can result is one reason why is it important to separate the state and religion in democratic societies। जो अत्याचार है अगर उनके साथ majority मिलेगी, violation मतलब fundamental rights, तो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ऐसा होता है कि आपकी सरकार भी आपके साथ मिलती है और इस तरीके से अत्याचार करते हो, जो आपके अगर आप एग्जाम्पल देखिए कि अगर कोई ग्रुप में 50 लोग हैं और कोई ग्रुप में 10 लोग हैं और वो 50 लोग अगर आप पे किसी चीज़ का अत्याचार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ की कंप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं और बिल्कुल लड़ सकते हैं। क्यों लड़ सकते हैं? क्योंकि आपके पास राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है, ये आपको सरकार ने इसीलिए तो दे रखा है। यही तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, सिविक्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास में राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी के अधिकार है। हम हमारे हिसाब से जी सकते हैं, हम हमारे हिसाब से कोई भी धर्म को मान सकते हैं। अनादर रीज़न दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन। दूसरा रीज़न ये है हमारे लिए जो ज़रूरी है जानना हमारे लिए कि हम क्यों रिलीजन और स्टेट को अलग रखते हैं, क्योंकि वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन। हम कोई भी जैसे हम अगर हम आज हिंदू धर्म में और हमको मुस्लिम धर्म में भी जाना है तो हम बिल्कुल जा सकते हैं, हमारे पास बिल्कुल फ्रीडम है, हमें इस चीज़ के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। एम्ब्रेस अनादर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजन्स टीचिंग डिफरेंटली। हर रिलीजन अपना अपना मतलब धर्म मानता है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, अब इस पॉइंट को और अच्छे से जाने, लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस भी हमारे देश में बहुत चलती है, मतलब छुआछूत। यू माइट फील दैट डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन द हिंदूज एंड देयर फॉर यू वॉन्ट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। हाउएवर इफ स्टेट पावर्स वर इन हैंड्स ऑफ दोज मुस्लिम्स हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी देन वॉट डू थिंक। अगर हम जो अनटचेबिलिटी छुआछूत के काम करते हैं कि इसे तो नहीं छुएंगे, ये तो छोटी कास्ट का है, लोअर कास्ट का, और अगर यही सब काम हमारे साथ सरकार भी करने लगे और सरकार भी इन सारी चीज़ों को मानने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये अनटचेबिलिटी क्या है, सब कुछ है, ये ईजी टास्क है हमारे लिए चेंज करने के लिए हमारे देश को, कि क्या हम इस चीज़ को चेंज कर पाएंगे, क्या हम इस अनटचेबिलिटी को कभी ख़त्म कर पाएंगे अगर सरकार भी हमारे साथ ये काम करने लगे तो। You might face a lot of resistance from fellow members of their community. These members who have control to state power might there is only one interpretation of Hinduism and they do not have the freedom to interpret this differently. इसीलिए जो मेंबर्स हैं, जो मतलब हमारी स्टेट पावर है, उसने कंट्रोल कर रखा है इन चीज़ों पे कि कोई भी किसी भी धर्म को कुछ नहीं बोलेगा, और अनटचेबिलिटी और ये सब हमारी सरकार कभी नहीं चलाती, हमको हर चीज़ की फ्रीडम है, जो हम चाहे वो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, तो ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये क्या है हिंदू धर्म, मतलब हम सब साथ साथ हैं, इस तरीके से इनने मंदिर बनाया है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, मतलब हम सब साथ साथ हैं। ठीक है, तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि इस धर्म को ज़्यादा मान रहा है या इस धर्म को कम मान रहा है, हमको सब एक, देखिए जब हम भगवान के वहाँ से आए थे ना तो हम सब है ना एक जैसे, एक समान थे। धर्म है ना सब हम लोगों ने बनाया कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। क्यों आप लोगों के खून में क्या कोई फ़र्क होता है क्या कि ये हिंदू है तो इसका खून है सर, मुस्लिम है तो इसका खून है सर, सब एक जैसे थे, पर सब अपने अपने धर्म को मानने लगे हैं। ठीक है, वॉट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। इंडियन स्टेट क्या है? सेक्युलर है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट क्या है? दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, मतलब पहली कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर सकता है। That some members do not dominate other members of the same religion's community. इसका मतलब आप example ऐसा भी ले सकते हैं कि कोई भी ब्राह्मण है तो वो वैश्य शूद्र से मतलब किसी से भी या lower caste people के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। एक ही religion में रहकर दूसरे दूसरे धर्मों को मानते हैं ना अपन, क्या हम इस भगवान को मानते हैं, इस भगवान को मानते हैं तो lower caste है, ये तो जैसे चमार जात का है, या फिर जैसे हम बोलेंगे कि ये तो बहुत छोटी जात का है, तो हमको उनके साथ में एक ही religion में रहकर दूसरे के साथ में कभी भी dominate व्यवहार नहीं करना।
ठीक है, थर्ड पॉइंट ये दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रीज़न नॉर टेक अवे द रिलीजन्स फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हर स्टेट में हर रिलीजन को फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से रह सकता है, कोई भी रिलीजन उस पर दबाव नहीं डालेगा कि उसको यही धर्म अपनाना है। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन। फर्स्ट इट यूजेस टू स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इट सेल्फ द रिलीजन। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाई रिलीजन्स ग्रुप नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स पुलिस स्टेशन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। मतलब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑफिस हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रिलीजन को मानता है। अगर कोई हमारे स्कूल में कोई मुस्लिम है या क्रिश्चन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे धर्मों को माने, हमारी प्रेयर में हमारे साथ ही प्रे करे। उसकी जो मर्ज़ी है वो काम कर सकता है, उसके लिए उसको स्कूल वाले भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पिक्चर है गवर्नमेंट हाई स्कूल में, इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमपुर, ये सीमपुर में गवर्नमेंट स्कूल है। स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजन फेस्टिवल। सर देयर वाज अ बिग रिलीजन फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इज स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। मतलब बच्चा बोलता है कि सर, स्टूडेंट बोलता है कि रिलीजन फेस्टिवल है तो हम यहाँ पर स्कूल में मनाएं, तो सर ने उसको क्या बोला कि नहीं, हम यहाँ पर कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हम, आप खुद ही बताइए कि अगर हर सेलिब्रेशन, हर जैसे अलग अलग जात के भी हमारे स्कूल में लोग होते हैं, हम सारे सेलिब्रेशन करने लगे तो क्या स्कूल में हम सिर्फ सेलिब्रेशन ही करते रहेंगे। इसलिए कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप कोई, आपका कोई जो बड़े नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं ना उसको अपन बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं। हम नेशनल फेस्टिवल्स क्या हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मतलब उसको सर बोलते हैं कि नहीं, अपन सेलिब्रेट नहीं करेंगे। आई एम अफ्रेड दैट इज नॉट पॉसिबल रेखा, देयर इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि वो सरकारी स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। हम कोई भी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल्स मे डू दैट, गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजन्स फेस्टिवल्स। प्राइवेट स्कूल भले ही ऐसा कर सकते, जैसे कोई क्रिश्चियन का स्कूल है ना, जैसे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है, तो वहाँ पर जैसे सिस्टर है वो, तो वो अपने क्रिश्चियन धर्म में, जैसे वहाँ पर इतने सारे लोग हैं तो वो मान सकते हैं, वो अपने धर्म का सेलिब्रेशन कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट स्कूल को बिल्कुल भी ये चीज़ अलाव नहीं है कि वो किसी एक रिलीजन को सेलिब्रेट करे। तो ये स्टूडेंट बोलता है नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम बाहर ये सेलिब्रेशन मतलब हमारी कॉलोनी में बना लेंगे। एनी वे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट अवर लोकेलिटी। ठीक है, इन द अबाव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजन्स फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। गवर्नमेंट स्कूल इसीलिए ये काम नहीं करना चाहता है क्योंकि उसने सारे रिलीजन्स को इक्वली माना है, राइट टू इक्वेलिटी का अधिकार दे रखा है। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। गवर्नमेंट स्कूल कोई भी एक रिलीजन्स को प्रमोट नहीं करेगा। इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजन सेलिब्रेशन दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स। ये जो रूल है ये प्राइवेट स्कूलों पर अप्लाई नहीं होता है, पर गवर्नमेंट स्कूलों पर अप्लाई होता है कि अगर कोई मॉर्निंग प्रेयर में है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है हमारे हिंदू धर्म में, तो अगर उसका मन नहीं हो तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सेलिब्रेशन में, हमारी प्रेयर में खड़ा हो सके, या हमारे कोई सरस्वती जैसे पूजा चल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो करे। वो बोल सकता है बिल्कुल कि मुझे नहीं आना, मुझे नहीं इस प्रेयर में खड़ा होना, तो हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम उसे चिल्लाएँ। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर्स फॉर रिलीजन्स प्रैक्टिसेस द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटीज। सेकेंड वे क्या बोलता है इंडियन सेक्युलरिज्म कि वो डोमिनेशन मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी किसी को डोमिनेट नहीं करेगा किसी भी रिलीजन से। दिस मीन्स टू ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेरेंस फॉर रिलीजन प्रैक्टिस। कोई भी रिलीजन किसी भी दूसरे रिलीजन के बारे में इंटरफेरेंस नहीं करेगा और ना इसमें सरकार इंटरफेरेंस करती है और सरकार को करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये ग्रुप है फ्रेंड का, तो ये बोलता है ये जो हेलमेट वाला है वो बोलता है मतलब ये पगड़ी पहन के सीख है, इसको बोलता है कि तुम हेलमेट लगाओ नहीं तो आगे जाके तुम्हारा भी टिकट कट जाएगा। मतलब क्या कि तुमसे भी पैसे मांग लेगी पुलिस। तो वो बोलता है कि डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मैंने सर पे पगड़ी पहन रखी है,
तो मैं नहीं लगा सकता ये। तो वो ये बोलता है उससे हेलमेट वाला कि हे परमजीत वाई वॉन्ट बी फाइन, कैसे ये सही है। तो वो बोलता है कि मैं सिख हूँ और मैंने पगड़ी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिलीजन में। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स टू वियर अ हेलमेट, तो मुझे गवर्नमेंट फोर्स नहीं करेगी हेलमेट पहनने के लिए। तो इस स्टोरी बोर्ड से हम ये सीखते हैं कि परमजीत जो है, जो सिख है, डज़ नॉट हैव टू वियर हेलमेट। वो अगर हेलमेट नहीं पहनेगा तो हमारी सरकार को कोई हक नहीं है कि वो उसे कुछ बोल सके, या पुलिस को भी कोई हक नहीं है, क्योंकि इंडियन स्टेट में जो पगड़ी है वो सिख लोगों के लिए बहुत रिलीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे होता है ना कि किसी के लिए बुरखा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो स्कूल में या कॉलेजेस में पहन के जाता है। तो कोई भी कॉलेज या कोई भी किसी भी मतलब कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हो या कोई भी क्यों नहीं हो इस दुनिया में, आपको आपके धर्म में आपको जो पहनना है आपको उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। ठीक है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड आर थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। देयर इज अ गुड एग्जांपल्स वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन अपर कास्ट। आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा है कि अनटचेबिलिटी क्या होता है, कि अपर कास्ट लोअर कास्ट में अनटचेबिलिटी भेदभाव होता है ना। तो जो अपर कास्ट, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कोई अपर कास्ट है तो वो लोअर कास्ट को कुछ नहीं बोल सकता, उसे कोई अधिकार नहीं है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट। पर क्या होता है, अधिकतर हमारे जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो क्या डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करते हैं लोअर कास्ट के साथ में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन लगा रखा है अनटचेबिलिटी पे, मतलब छुआछूत पे, कि आप किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट ऑफ इंटरवेयरिंग द रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज बिलीव डिस्क्रिमिनेटेड एंड एक्सक्लूड्स एंड दैट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ लोअर कास्ट। अगर आपके साथ में कोई ऐसा करता है तो आपके पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वेलिटी का, कि सारे सिटीजन्स इक्वल होते हैं, आप कोई भी आपके साथ में ऐसा नहीं कर सकता है। सिमिलरली टू इंश्योर द लॉज ऑफ रिलेटिंग इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड द स्टेट में हैव इंटरवेन्यू। इंटरवेन्यू मतलब क्या होता है, कि जो दंगे फसाद है, मतलब ये जो है, तो आप अपने पर्सनल लॉस अपनी कम्युनिटीज़ हैं तो आप उनको अपने हिसाब से मतलब अलग रख सकते हैं, आपके पास राइट टू इक्वेलिटी का अधिकार है पूरी तरीके से। तो कोई भी अनटचेबिलिटी अब पूरी तरीके से बैन है, हमारी सरकार ने उस पर बैन कर रखा है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो भी फॉर्म ऑफ सपोर्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट रिलीजन्स कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन नॉन प्रिफ्रेंशियस बेसिस। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारी स्टेट है वो बिल्कुल सपोर्ट करती है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन्स को बिल्कुल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करता है, कि अगर कोई स्कूल कॉलेजेस अपने अपने हैं तो वो अपने अपने हिसाब से अपना कोई भी, जैसे किसी धर्म का है तो वो सारे धर्म अपने अपने हिसाब से मान सकते हैं, कोई भी स्कूल कॉलेजेस उसके बीच में नहीं बोलेगा और ना सरकार बोलेगी। इन वॉट वे आर इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम देम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। मतलब इंडियन सेक्युलरिज्म क्या डिफरेंट है दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री से। तो देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मोस्ट चिल्ड्रन इज गवर्नमेंट स्कूल हैव टू बिगिन द स्कूल डे रिसाइटिंग द प्लेज। ये सुबह सुबह प्लेज कर रहे हैं जैसे, तो द प्लेज इंक्लूड्स द वर्ड्स अंडर गॉड। प्लेज में क्या वर्ड आता है, अंडर गॉड जो वर्ड आता है। इट्स गवर्नमेंट, इट वॉज इस्टेब्लिश मोर देन 60 ईयर्स अगो दैट गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिसाइट द प्लेज। मतलब ये बताना चाहते हैं कि 60 साल पहले यहाँ पर ये मतलब नियम था कि अगर आपको गॉड नहीं बोलना है अपनी प्लेज में तो आप नहीं बोलेंगे तो चलेगा, मतलब आपको कोई भी कुछ बोलेगा नहीं। जैसे कोई जैसे क्रिश्चियन है और वो नहीं बोलना चाहता है, या फिर कोई हिंदू है वो नहीं बोलना चाहता है, तो आप नहीं बोल सकते, आपको कोई भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करेगा कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यही डिफरेंट है दूसरी कंट्री से और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे मतलब यहाँ के नियमों में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ US है, तो वहाँ पर जैसे लॉ है रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन का, और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। मतलब हर रिलीजन अपने अपने हिसाब से फ्री है। वॉट इज़ मीन्ड बाई एस्टेब्लिशमेंट इज़ दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। मतलब कोई भी रिलीजन किसी भी ऑफिशियल, किसी भी पर्सनल रिलीजन के बारे में नहीं बोलता है। नॉर कैन दे गिव प्रिफरेंस टू वन रिलीजन। कोई भी एक रिलीजन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं मानता, ऐसा भी नहीं है।
इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन्स, वहाँ पर भी सेपरेशन है, स्टेट और रिलीजन बिल्कुल धर्म और अपना अपनी सरकार बिल्कुल अलग रखते हैं वो, मतलब बिल्कुल एक धर्म, मतलब धर्म के बीच में सरकार कुछ नहीं बोलेगी वहाँ पर भी यही है। देयर इज़ अ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर्स टू डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज़ बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन्स एंड द स्टेट, मतलब वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, स्ट्रिक्ट है मतलब वहाँ पर भी सब बहुत कि हमारी सरकार और धर्म बिल्कुल अलग रहेंगे। इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन्यू इन रिलीजन अफेयर्स, कभी कभार क्या होता है कि जो यहाँ पर अगर हमारे यहाँ पर धर्म के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो हमारी सरकार तो बिल्कुल बोलेगी, बोलेगी ही ना, क्यों नहीं बोलेगी, अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई भी यहाँ पर कुछ बोलेगा तो सरकार को फिर बिल्कुल हक है कि वो बोले कि आपके साथ में गलत ना हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरव्यूड इन हिंदू रिलीजन्स प्रैक्टिसेस टू इन ऑर्डर टू अवॉइड अनटचेबिलिटी इन इंडियन सेक्युलरिज्म थ्रू द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, पर यूएसए में क्या था, बहुत स्ट्रिक्ट था, पर यहाँ पर हमारे यहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर कोई भी रिलीजन आपके बारे में, किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोलता है तो सरकार बिल्कुल बोलेगी। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजन्स डोमिनेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन द सेक्युलर प्रिंसिपल्स। हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दिस राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। इनडेड इट इज प्रिसाइजली बिकॉज सच वायलेशंस हैपन फ्रिक्वेंटली दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशंस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक अ सेंसिटिव टू देयर वायलेशंस एंड इनेबल टू टेक एक्शंस व्हेन दिस वायलेशन टेक प्लेस। इसका मतलब यही होता है कि हमारे यहाँ पर अगर कोई भी धर्म के बारे में कुछ गलत, किसी भी धर्म के साथ निरपेक्षता होगी तो हमारी सरकार उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलेगी कि अपने साथ में गलत ना हो, ठीक है। तो और हमारे पास तो वैसे भी हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो तो बिल्कुल है ही सही। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, सब धर्म के साथ समान होना और किसी भी धर्म को मतलब ज़्यादा कम ना मानना, मतलब कोई भी। अब जैसे ये आप ब्लू पैराग्राफ देख रहे हो तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे यूएसए में मतलब कोई भी जैसे जो सिंबल्स होते हैं ना, जैसे जैसे इस्लामिक में हैंडस्कार्फ होता है और क्रिश्चियन में स्कर्ल कैप्स होती हैं और जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ें होती, तो ये सब भी यूएसए में उन्होंने मना कर रखा है कि कोई भी कुछ भी पहन के नहीं आएगा, मतलब सब हम एक समान हैं, तो कोई भी मतलब अपने धर्म को इस तरीके से बाहर यहाँ पर नहीं दिखाएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रखा है, ठीक है। तो यही इन्हें बता रखा है और ये आपका चैप्टर यहाँ पर कम्प्लीट होता है। तो आप बिल्कुल समझे हो कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, एक ही धर्म को एक मतलब सारे धर्मों को एक समान मानना, किसी भी धर्मों में भेदभाव न करना और कोई भी धर्म को किसी भी दूसरे धर्म से ऊंचा न मानना, ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है।